अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इस तरह का सोशल मीडिया ग्लोइंग आईडी कार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी इमेज जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग में है, इसमें आप अपना फेस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे, मैं आपको सभी कुछ इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है और सर्च करना है बिंग इमेज क्रिएटर। इस पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ये एप्लीकेशन ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप इसे वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखोगे, फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 3 जगह फेसबुक लिखा हुआ है और यहाँ पे आप अपना नेम ऐड कर लेंगे। और इस लास्ट वाली लाइन पे आप देख सकते हैं कि मैंने फेसबुक के लोगो का कलर ब्लू लिखा हुआ है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस ऐप का कौन सा कलर रखना है। इसके बाद मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूं। यहां पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इमेज क्रिएट हो चुकी है। यहां से हम कोई भी इमेज ओपन कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि फेसबुक की बहुत ही प्यारी कार्ड इमेज जनरेट हो चुकी है। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड पे प्रेस कर देते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। अब हम इसमें थोड़ी चेंजेस करके देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ फेसबुक लिखा हुआ है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे स्नैपचैट लिख देता हूँ। और इसके बाद इस जगह भी फेसबुक को रिमूव करने के बाद स्नैपचैट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी स्नैपचैट ऐड कर देता हूँ। इसके बाद ब्लू को रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे स्नैपचैट के लोगो का कलर येलो लिख देता हूँ। अब मैं दोबारा क्रिएट बटन पर क्लिक करता हूँ। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि स्नैपचैट की कार्ड इमेज जनरेट हो चुकी है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी इमेज क्रिएट हो चुकी है। हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि आपने किस ऐप का कौन सा कलर रखना है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको सीखना है कि इन पिक्चर में अपना फेस कैसे ऐड किया जाए, तो ये एंड स्क्रीन पे वीडियो में आप सीख सकते हैं।